दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो को टॉपिक है वो है मॉनिटर। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नया नया वीडियो लेकर आता हूं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मॉनिटर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मॉनिटर से संबंधित कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम एक एक करके मॉनिटर को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट डाला है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को आउटपुट के रूप में जो मॉनिटर होती है उसको डिस्प्ले कर देता है, जो मॉनिटर होती है वो उस पर डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपने कुछ लेटर टाइप कर लिया तो क्या करेगा, मॉनिटर उस लेटर को डिस्प्ले कर देगा। किस रूप में, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में जो डिवाइस होती है, मॉनिटर एक डिवाइस है और जो मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों हार्डवेयर। दोस्तों यहां पर हार्डवेयर से तात्पर्य है कि ऐसे पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम मॉनिटर को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर में ये हार्डवेयर पार्ट्स है, अर्थात ऐसे फिजिकल डिवाइस जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वीडियो। दोस्तों जो मॉनिटर होती है उसको हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर होती है उसको हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों ये कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। ठीक है, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तब आप क्या कर सकते हो, जो वीडियो है, जो वीडियो का ऑप्शन दिया है उस पर आप क्लिक कर सकते हो या आप उस पर टिक मार्क लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है वीडियो। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मॉनिटर होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और सेकंड होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होती है वो एक कलर को शो करता है। अगर आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, जो इमेज दिख रहा है, उसमें एक कलर को शो कर देगा या एक कलर में वो चित्र दिख जाएगा। और जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होती है वो मैक्सिमम 256 कलर के साथ किसी भी चित्र को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर के जो टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें एक कलर से डिस्प्ले करता है जो भी इमेज है उसको, और सेकंड होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें मैक्सिमम 256 कलर के साथ उस चित्र को, उस इमेज को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई टाइप्स के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इमेज। ठीक है, जो मॉनिटर होता है उसमें जो इमेज दिखता है वो किस फॉर्म में रहता है, डॉट के फॉर्म में, जिसको हम पिक्सल भी कहते हैं। छोटे छोटे डॉट से क्या बनता है, एक इमेज बनता है, और उस छोटे छोटे डॉट को हम क्या कहते हैं, पिक्सल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेबल मॉनिटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट यूजेबल मॉनिटर है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है सीआरटी मॉनिटर, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सेकंड है एलसीडी, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड है एलईडी, जिसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटेड डायोड। नेक्स्ट है 3D मॉनिटर, जिसका पूरा नाम होता है 3D मॉनिटर। नेक्स्ट है TFT, जिसका पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, और लास्ट में फ्लैट पैनल मॉनिटर। इस प्रकार से कुछ जो यूजेबल मॉनिटर है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है,
तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको मैंने आप लोगों को मॉनिटर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। दोस्तों यहाँ वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोगों के माइंड में इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन उठे हैं तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन दिया है, उस कमेंट के सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट है उसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर कराने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार।